हेलो, दिस इज सतीश नामदेव एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वीडियो। इस चैनल में आपको बताता हूँ कि लाइब्रेरी से न्यू रिलेटेड वैकेंसी। और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है IIT पालक्कड़, जो कि केरला में स्थित है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अदर वैकेंसी की वीडियो भी देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं वीडियो का, जो हमारा इंस्टीट्यूट का है, इंस्टीट्यूशन है, उसका वेबसाइट क्या है। तो सबसे पहले वेबसाइट की बात करते हैं, IIT PKD.ac.in है। जैसे गूगल में सर्च करेंगे कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको शो होगी। जैसे हम यहाँ पर नीचे जाएंगे, जैसे नीचे जाते ही यहाँ पर अलर्ट लिखा हुआ, अलर्ट को मैं हमारे पर यहाँ पर लिखा हुआ स्टाफ रिक्वायरमेंट 2019। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर IIT पालक्कड़ इनवाइटेड एप्लीकेशन रेगुलर पोस्ट स्टाफ पोजीशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज 23:59 इन 27 सितंबर 2019। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर डिटेल्स क्लिक ही है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसलिए पा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो एक पेज ओपन होगा, जो कि पेज कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर आपको दिखाया है स्टाफ रिक्वायरमेंट पोर्टल। यहाँ पर हम सबसे पहले सभी चीज़ें बात कर लेंगे यहाँ पर, जो कि लाइब्रेरी से रिलेटेड बात करेंगे, लाइब्रेरी वैकेंसी से भी बात करेंगे। तो यहाँ 5th नंबर में आप जैसे देख सकते हैं कि जूनियर लाइब्रेरी सुप्रीडेंट 6th लेवल है। इसका पेमेंट है 35,400 to 1,12,400। वन वैकेंसी है जनरल्स के लिए, मतलब इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई है जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन Level 3 है, 21,700 to 69,100। वन वैकेंसी है, अनरिजर्व है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। नोटिफिकेशन की पहले बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन में क्या, जैसे हम नोटिफिकेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन आपको क्लिक करके जाते हैं, ऐसे कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर पेज ओपन होने के बाद आप यहाँ पर 5th नंबर में देख सकते हैं, यहाँ पर जूनियर लाइब्रेरी सुप्रीडेंट की बात करते हैं। यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ MLib होना चाहिए और MLIS होना चाहिए, या फिर MLIS होना चाहिए, जो कि 60% इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए, और साथ में आपको 6 ईयर रिलेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए और होना चाहिए लाइब्रेरी में। और यहाँ पेमेंट स्केल की मैं बात कर चुका हूँ, 35,400, 1,12,400 वन वैकेंसी जनरल की। इसी तरीके से वहाँ पर क्वालिफिकेशन 8th नंबर में बात करते हैं, जूनियर लाइब्रेरी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट नंबर है 1917। तो 27 एज की बात करते हैं, सॉरी उस एज की बात करते हैं, 27 ईयर्स होना चाहिए। और यहाँ पर आपको अगर बात करते हैं बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ MLib या MLIS होना चाहिए, जो कि 60% में होना चाहिए। यहाँ पर CGPA है, इक्विवेलेंट CGPA में होना चाहिए, प्रोफेंसी ऑफ यूज कंप्यूटर एप्लीकेशन MS वर्ड एंड एक्सेल। और पेमेंट पे स्केल की बात करते हैं, Level 3 की मिलेगी 21,700 to 69,100 पर। वन वैकेंसी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। आप लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रिसीविंग 27 सितंबर 2019, और आपको उसको जो PDF निकलेगा आपको वहाँ पर अप्लाई करने के बाद मैं आपको लिंक दे दूंगा, जो कि आप वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर से इंस्ट्रक्शन आप रीड कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर फी का पेमेंट करने का एक प्रोसेस बताया गया है, जो कि प्रोसेस में है कि ST जो अपना जर्नल्स हैं, OBC हैं, उनके लिए 100 रुपये पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर कैंडिडेट बिलोंगिंग शेड्यूल कास्ट SC ट्राइबल ST और पर्सन विथ द डिसेबिलिटी और एक्सेप्टेड फॉर्म द पेमेंट एप्लीकेशन बिल, आपको 100 रुपये का जो फी है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको किसी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई आपको DD नहीं बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन अप्लीकेशन करेंगे तो ऑनलाइन अप्लीकेशन के बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है, द रजिस्ट्रार IIT पालक्कड़ अलिया इंटीग्रेटेड कैंपस कोजी पारा,
6785557 आपको 27 सितंबर 2019 तक आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आपको वहां पर सेंड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहां पर आप एक और इन्फॉर्मेशन दी है यहां पर, जैसे यहां पर जो आप इनब्लॉक्स रहेगा इनब्लॉक्स पर आपको डॉक्यूमेंट के साथ में और आपका जो PDF निकलेगा उसके साथ में आपको यहां पर एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डैश है यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट जो भी आप दोनों से जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट नेम लिखना पड़ेगा और इस एड्रेस पर सेंड करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के कैसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई। जैसे इसको हाउ टू अप्लाई क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले क्रिएट करेंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करेंगे वहाँ पर, देन उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की आएगा और यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा। और इसके बाद आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि JPEG में होना चाहिए या JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए और अप्लाई फॉर द पोस्ट, यहाँ पर हम पोस्ट को सिलेक्शन करना पड़ेगा और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको सभी को एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू और फाइनल सबमिट करना पड़ेगा। जैसे फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट का मेनू शो होगा, वहाँ से आप पेमेंट डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेगी एक फाइनल जो एप्लीकेशन रहेगा उसको प्रिंट आउट लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ आपको दिए गए एड्रेस में द रजिस्टर IIT का काला पक्कड़ आलिया इंटीग्रेटेड कैंपस कोजी पारा 6785557 सपोर्टिंग और इस एड्रेस में सेंड करना है। और जो इनबॉक्स के टॉप पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पर जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट में लिखना है और आपको 27 सितंबर 2019 तक में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ सेंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे लॉगिन करेंगे यहाँ पर, जैसे हम क्रिएटिव लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको यहाँ लॉगिन करने के यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्रिएटिव यूजर लॉगिन है तो इसके नीचे है क्रिएट न्यू अकाउंट। जैसे क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे कुछ कोई भी यूजर नेम आप यहाँ पर डाल सकते हैं विदाउट हाइपरलिंक, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी में आपको लिंक दिया जाएगा वहाँ पर से जाके आपको पासवर्ड मिल जाएगा। वहाँ पर से पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ पे आप इसलिए लॉगिन कर सकते हैं। जो यहाँ पर लॉगिन कर दिया हुआ है पर लॉगिन करने के पास सारे डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया हाउ टू अप्लाई में ये सारी प्रोसेस का आप फिल अप करके आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच माई वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।